Hello students, welcome to Shortcut. Today we will start chapter number 11, The Proposal by Anton Chekhov. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ टिल द एंड। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। तो द प्रपोजल पे आते हैं अभी। तो प्रपोजल एक प्ले है, इसको लिखा है एंटन चेकोव ने, जिनका जन्म 1860 में 29 जनवरी को सदर्न रशिया में हुआ था, यानी कि रशियन राइटर हैं। और इस चैप्टर के अंदर ये जो प्ले है इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं, मुख्य तीन कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है लोमोव जो कि एक रिच फार्मर है, वेल्दी फार्मर है। दूसरा कैरेक्टर जो है इसमें वो है शुभुकोव जो है वो भी एक रिच फार्मर है, ये दोनों पड़ोसी हैं। और शुभुकोव जो है उनकी बेटी जिसका नाम है नतालिया जो कि 25 साल की है, ये तीन कैरेक्टर्स इस चैप्टर के मुख्य पात्र हैं। यानी अब होता क्या है, जो लोमोव है उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और वो शादी करना चाहता है। वो पहले ढूंढ रहा था कोई परफेक्ट पार्टनर, लेकिन परफेक्ट पार्टनर ना मिल पाने की वजह से अब तक वो कुंवारा था, और वो अब इतना ज़्यादा डेस्परेट है शादी करने के लिए कि वो बस अब नतालिया से ही शादी करना चाहता है जो कि उसके नेबर की बेटी है, शुभुकोव की बेटी है। इस कारण से जो लोमोव है वो शादी का प्रपोजल लेके शुभुकोव के घर आता है। और ये तीनों जो लोग हैं, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू किस्म के लोग हैं, यानी कि इनका व्यवहार जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। इस कारण से वहाँ पर बातचीत जब इन तीनों के बीच में होती है तो इन तीनों के बीच में कई बार वहाँ पर लड़ाई हो जाती है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि जो ज़मीन के टुकड़े हैं, यानी कि जो ज़मीन है वहाँ पे शुभुकोव कहता है ये ज़मीन हमारी है और लोमोव कहता है ये मेरी है, इस प्रकार से काफ़ी बहस होती है और झगड़ा होता है। इवन लोमोव और नतालिया के बीच में इनके डॉग जो कि पेट डॉग हैं इन दोनों के पास, उनके लिए भी झगड़ा हो जाता है कि मेरा डॉग ज़्यादा सुपीरियर है, तुम्हारा डॉग अच्छा नहीं है, तो इस टॉपिक पर भी झगड़ा होता है। लेकिन एट द एंड दोनों के बीच में बात बन जाती है और अंत में इन सब बातों में वैसे तो शादी की बात रह ही जाती है, लेकिन एट द एंड शुक्र है कि ये प्रपोजल जो मेन काम के लिए लोमोव वहाँ आया था वो चीज़ सामने आती है और वो शादी का प्रपोजल इनके सामने रखता है। और जो शुभुकोव है वो बहुत ही खुश होता है इस तरीके से अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और वो तुरंत इन दोनों को ब्लेसिंग दे के इनको वहाँ से रवाना कर देता है। लेकिन जैसे कि बोलते हैं ना कि जो ओल्ड हैबिट्स होती हैं, कहा जाता है ना एक कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि जो पुरानी आदतें होती हैं बहुत मुश्किल से जाती हैं, वैसे ही इनकी जो लड़ाई वाली आदत थी वो नहीं गई और ये वहाँ से निकलते ही फिर से लड़ाई करने लगते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। अब स्टार्टिंग ऑफ द सीन्स कहाँ से शुरू होता है, शुभुकोव जो है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और वहाँ पर लोमोव जो कि एक बहुत ही रिच फार्मर है वो वहाँ आता है, और उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो काफ़ी फॉर्मल काइंड ऑफ कपड़े, यानी कि बहुत तैयार होकर बन ठन के वो आया है। शुभुकोव उसका वेलकम करता है, लेकिन वो इस बात पे थोड़ा सरप्राइज है कि ये लोमोव जो है ये इतना बन ठन के यहाँ क्यों आया भाई। तो लोमोव जो है वो कहता है कि मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अब ये बात सुन के शुभुकोव जो था वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है, भाई ये कौन सी रिक्वेस्ट लेके आया है। शुभुकोव को लगता है कि शायद ये कुछ पैसे मांगने ना आया हो, तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है और वो दिखाता है कि जैसे वो ही इज़ इन नो मूड टू हेल्प हिम, यानी कि वो उसकी मदद करने के मूड में नहीं है, भले लोमोव कुछ भी उससे मांगे वो उसको देने वाला नहीं है, लेकिन लोमोव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वो घुमा फिरा के बात यानी कि पॉइंट पे लाने में असमर्थ रहता है, यानी कि जो बात करने के लिए वो शादी के प्रपोजल के लिए वहाँ आया होता है, उसकी बेटी नतालिया से शादी के लिए वो उसका हाथ मांगने आता है शुभुकोव से, लेकिन वो टॉपिक से बार बार भटक जाता है और वो बार बार किसी ना किसी पॉइंट के द्वारा उस पॉइंट पर लाना चाहता है उनको मेन मुद्दे पे। तो इस पर शुभुकोव काफ़ी गुस्से होता है और बोलता है कि नॉट टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि वो बार बार एक ही बात को घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है, डायरेक्ट वो पॉइंट पर क्यों नहीं आता है। तब लोमो बताता है अपने वहाँ पर आने का उद्देश्य और वो कहता है
कि वो शुभकोव से उसकी बेटी नताल्या स्टेपनोवा स्टेपनोवना का हाथ मांगने आया है। शुभकोव जो है वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और वो खुशी के मारे लोमो को माथे पे चूमने लगता है, उसको गले लगाता है और उसको किस करता है और वो कहता है कि ये मेरा बहुत ही समय से सपना था, बहुत ही मेरी जाहिर इच्छा थी कि मैं तुम्हें यानी कि लोमो को और नताल्या यानी कि मेरी बेटी नताल्या तुम दोनों को साथ में देखूं, तुम दोनों की शादी कर दूं। शुभकोव जो है वो लोमो को एश्योर करता है कि नताल्या भी तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, यानी कि वो भी तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह देगी, बिकॉज वो भी तुमसे प्यार करती है, वो भी तुमसे जिस प्रकार से तुम उससे प्यार करते हो वैसे वो भी तुमसे प्यार करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले सीन में किस प्रकार बताया गया है कि लोमो और जो शुभकोव है इनकी बातचीत होती है। अब आगे चलते हैं हम। शुभकोव जो है वो बाहर चला जाता है और नताल्या और लोमो वहाँ पर रूम में अकेले रह जाते हैं। लोमो जो है उसको ठंडी फील हो रही है, उसको बहुत ठंड फील होने लगती है और वो कांपने लगता है। क्या करने लगता है? वो कांपने लगता है ठंड के मारे और वो कोई भी एक बात करने, जैसे एक लड़का लड़की जब शादी के समय हम देखते हैं हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है कि बातचीत करने के लिए सामने बिठाया जाए तो मतलब हेजिटेशन फील होती है, तो वो वहाँ पर कोई भी बात करने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करता है लोमो और वो रियलाइज़ करता है कि नताल्या जो है वो एक बहुत ही अच्छी हाउस कीपर है, इनकी घर का बहुत ही ध्यान रखती है, वो एक गुड लुकिंग गर्ल है, बहुत ही सुंदर दिखने में है और एजुकेटेड भी है और ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, इट्स अ क्रिटिकल एज। ये जो है वो है यानी कि जो लोमो है वो 35 साल का है और ये उम्र जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और वो एक पीसफुल एक रेगुलर एक मतलब नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल कॉमन लोगों की लाइफ होती है, मैरिड लोगों की लाइफ होती है, वो उस प्रकार का जीवन जीना चाहता है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहता है। इस कारण से लोमो बहुत एक्साइटेड है लेकिन वो अपसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसके यानी कि जो लिप्स हैं उसके होंठ कांपने लगते हैं और ही जंप्स अप लाइक ए लुनेटिक, वो एक लुनेटिक की तरह जंप करने लगता है। अब ये लुनेटिक क्या है? लुनेटिक का मतलब होता है पागल, यानी कि एक मैड पर्सन की तरह वो बिहेव करने लगता है। लोमोव जो है वो बताता है कि उसे ये सौभाग्य मिला है कि वो अपनी फैमिली को जान पाए, यानी कि उस नताल्या की फैमिली को जान पाए। लोमोव और शुभकोव जो हैं वो हमेशा से ही अच्छे रिलेशनशिप में रहे हैं, यानी कि उनका दोनों परिवारों का रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है और लोमोव बताता है कि उसकी जो ऑक्सन मीडोज़ है यानी कि जो चरागाह है, जो घास के मैदान हैं, जो कि उसकी बर्चवुड्स को, बर्चवुड किसके हैं? ये नताल्या के बर्चवुड्स हैं और ऑक्सन मीडोज़ किसके हैं? ये लोमोव के हैं, यानी कि ये जो ऑक्सन मीडोज़ जो कि नताल्या के बर्चवुड्स को यानी कि टच करते हैं, नताल्या इस पे काफ़ी गुस्सा होती है, वो बोलती है कि ऑक्सन मीडोज़ जो हैं यानी कि वो मैदान जो घास का है वो तुम्हारे कब से हो गए भाई, यानी कि अब यहाँ पे इनके बीच में बहस शुरू हो गई है कि वो बोलता है कि मेरे ऑक्सन मीडोज़ जो कि तुम्हारे बर्च वुड्स को टच करते हैं, तो इस पर नताल्या गुस्सा होती है और बोलती है कि मेरे ऑक्सन मीडोज़ से तुम्हारा क्या मतलब, ऑक्सन मीडोज़ जो है वो भी हमारे ही हैं, यानी कि वो खेत जो है वो भी हमारा ही है। इस पर लोमो बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, किसके पास? लोमो के डॉक्यूमेंट्स भी हैं उस ज़मीन के। नताल्या इसका विरोध करती है और कहती है कि ऑक्सन मीडोज़ जो हैं वो हमारे हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन वो जो लैंड है, वो जो ज़मीन है उसकी कीमत सिर्फ 300 रूबल्स हैं, उस ज़मीन की यानी कि जो मीडोज़ हैं, ऑक्सन मीडोज़ हैं, उसकी कीमत सिर्फ 300 रूबल्स हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है भले वो बहुत कम कीमत की, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 300 रूबल्स हैं, लेकिन फिर भी वो लोमोव की है, ये कहना बड़ा गलत होगा। भले मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे कीमत उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी लोमोव से बिलोंग करती है, ये कहना गलत होगा। लेकिन लोमोव जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो बोलता है कि वो इसको प्रूव भी कर सकता है डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। लोमोव कहता है कि ये उसूलों की बात है और वो
ज़मीन तो मेरी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें मैं प्रेजेंट भी कर सकता हूँ, तुम्हें गिफ्ट में भी वो दे सकता हूँ। लेकिन इस पर नताला फिर से अपोज करती है, कहती है कि वो लैंड जब तुम्हारा है ही नहीं तो तुम मुझे वो प्रेजेंट कैसे दोगे, वो प्रॉपर्टी हमारी है। तो जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इनका स्वभाव कैसा है, क्वरलसम है, मतलब लड़ाकू है। तो इस प्रकार से यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया है इनका। लोमोव जो है उसको नताला एक लैंड ग्रैबर कह के पुकारती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की ज़मीनों को हड़प लेता है, एक ज़मीन हड़पने वाला उसको कहती हैं, और उसे डराती है। कि अगर वो अपने मोवर्स यहाँ पर कहा गया एक मशीन को जिसे घास काटी जाती है, तो वो कहती है, कौन कहती है, नताला कहती है कि वो अपने मोवर्स को वहाँ भेजेगी कल ही, वो अपने मोवर्स को यानी कि घास काटने वाली मशीन को वहाँ भेजेगी। लेकिन लोमो कहता है, धमकी देता है कि अगर तुम अपनी मशीन का घास काटने वाली मशीन वहाँ भेजोगी तो मैं उन लोगों को वहाँ से मार मार कर भगा दूँगा। और इस तरीके से वो ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और इसी दौरान जो लोमोव है पल्पिटेशन से ग्रस्त हो जाता है, लोमोव्स पल्पिटेशन का मतलब है यहाँ पर एक ऐसी बीमारी जिसमें हृदय की जो गति है, यानी कि जो पल्स रेट है, जो दिल की धड़कन है, वो तेज तेज धड़कने लगती है, यानी कि रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो बीटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है लोमोव की। आगे फिर शुभकोव जो है वो एंटर होते हैं और वो अपनी डॉटर की साइड लेते हैं, अपनी बेटी की साइड लेते हैं, और वो बोलते हैं कि वो जो मीडोज हैं, जो ऑक्सन मीडोज हैं, वो तो हमारी हैं, वो तुम्हारी नहीं हैं। और शुभकोव कहता है कि ये जो मीडोज, ये जो घास का मैदान, मीडोज मतलब घास का मैदान, चरागाह कहा जाता है जिसे, शुभको कहता है कि घास का मैदान, ये मीडो जो है, ये मैं किसी गरीब फार्मर को देना पसंद करूंगा तुम्हें देने की बजाय। नताला जो है वो अपने फादर से कहती है कि आप हमारी जो घास काटने की मशीन यानी कि मोवर्स जो हैं उसको आप भेजिए और वहाँ पर कटाई शुरू करवाइए। लोमो फिर गुस्सा होता है और बोलता है, धमकी देता है कि मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं आप लोगों को कोर्ट में देखूँगा। लोमो एक्यूज़ करता है यानी कि आरोप लगाता है शुभको के ग्रैंडफादर पे। वो कहता है कि आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने फ्रॉड करके ये ज़मीन हड़प ली है। कैसे? एम्बेजलमेंट से। एम्बेजलमेंट मतलब फ्रॉड करके, यानी कि करप्शन के द्वारा या किसी भी धोखे से वो ज़मीन हमारी हड़प ली है। शुभकोव जो है वो एक्यूज़ करता है लोमोव के ग्रैंडफादर को। अब देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। लोमोव कहता है कि शुभकोव के ग्रैंडफादर ने इनकी ज़मीन हड़प ली है, वहीं शुभकोव कहता है कि लोमोव के ग्रैंडफादर जो थे वो एक डंकार थे, यानी कि एक पियक्कड़ थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, और उनकी जो आंटी थी, हर आंट जिनका नाम यहाँ पर बताया गया मिहाइलोवना, वो कहता है, शुभकोव कहता है कि उसकी आंट, किसकी आंट, हर आंट मिहाइलोवना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट, यानी कि वो कहता है कि तुम्हारी आंट जो थी वो एक आर्किटेक्ट, एक व्यक्ति के साथ भाग गई घर से। हिज ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ गैम्बलर, और तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे वो गैम्बलर भी थे, एक जुआरी भी थे। यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला जारी है, दोनों तरफ से खूब अटैक हो रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है और वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब लोमोव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसका हार्ट यानी उसके दिल में दर्द होने लगता है, उसके पैर जो है सुन्न पड़ जाते हैं। शुभकोव ये देखकर लोमो को एक डबल फेस्ड पर्सन बोलता है कि तुम एक दो चेहरों वाले इंसान हो, यानी कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। नताला जो है वो भी काफ़ी सरप्राइज्ड है जब शुभकोव उसको बताता है कि लोमोव यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेके आया था। देखिए अब तक तो लड़ाई चल रही थी तीनों के बीच में हम कहेंगे, तो लोमोव जो है उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ती है, उसके पांव सुन्न होने लगते हैं, और उसी दौरान शुभकोव उसको थोड़ा बुरा भला भी कहता है। लेकिन जब नताला को ये पता लगता है कि वो यहाँ पर आया था, क्या करने आया था, वो मैरिज प्रपोजल लेके आया था, यानी कि वो तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया था, अब ये बात सुनते ही नताला पार्टी बदल लेती है भाई। वो सीधा चली जाती है लोमोव की पार्टी में और ब्लेम करती है अपने फादर को कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो चिल्लाने लगती है कि इसको वापस लेकर आओ, यानी कि तबीयत जो बिगड़ रही है इसको ठीक करो, दोबारा इसको वापस लेकर आओ। शुभकोव जो है वो सरप्राइज रहता है इस चीज़ पर कि इसकी बेटी जो है किस प्रकार से पल भर में बदल गई है।
और वो अपने पिता को धमकी देती है कि शी विल डाई इफ लोमो इज नॉट ब्रॉट बैक, अगर लोमो को वापस नहीं बुलाया गया तो वो मर जाएगी, यानी कि वो आत्महत्या कर लेगी इस कारण से। और फिर से लोमो की एंट्री होती है, यानी कि लोमो की तबीयत बिगड़ रही थी इसलिए वो जाने की कोशिश करता है वहाँ से। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि नताल्या उसको फिर से बुला रही है, यानी कि नताल्या उससे शादी करने के लिए शायद तैयार है, फिर वो वापस आता है, वो एंटर होता है वापस। अब उसका जो हार्ट था, दिल था, वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, यानी कि उसकी स्थिति तो वैसी है बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया है जो लोमो है वो उसकी तबीयत काफ़ी नाजुक रहती है, वो पल्पिटेशन नामक बीमारी से पीड़ित है जिसमें व्यक्ति के दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। उसके पाँव जो हैं वो सो चुके हैं, यानी कि वो एकदम सुन्न हो चुके हैं। शुभकोव जो है वो लोमो को बोलता है कि हमें माफ़ कर दो। अब देखिए बेटी के दूसरे पक्ष में जाते ही, अब तक क्या था, बेटी जो थी वो खुद लड़ रही थी किससे, लोमो से, लेकिन शुभकोव ने जब उसको बताया कि तुम्हारा हाथ मांगने आया था तो नताल्या के रंग ढंग बदल गए। इस पर लोमो के वापस आने पर शुभकोव उनसे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, और वो ये भी एक्सेप्ट करना चाहता है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो तुम्हारे हैं। ऑक्सन मीडोज जिस पर लड़ाई हो रही थी वो टॉपिक भी इनका ख़त्म हो जाता है। तो शुभकोव कहता है कि लोमो ये जो मीडोज जो हैं ऑक्सन मीडोज ये भी तुम्हारे ही हैं, और वो हम सब लोग गलत थे, वो बोलता है कि हम लोग गलत थे, और वो इस टॉपिक को शांत करते। फिर अब क्या आपको लगा ये सब शांत हो गया, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने देखा कि ये लड़ाकू स्वभाव के लोग थे, अब फिर से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। किसके टॉपिक पे, डॉग्स के ऊपर। एक का नाम है स्क्वीज़र, दूसरे का नाम है गैस। नताल्या जो है वो स्क्वीज़र को एक थोरो ब्रीड एनिमल बोलती है। लोमो कहता है कि उसका डॉग गैस जो है वो स्क्वीज़र से बेटर है। नताल्या के कुत्ते का नाम स्क्वीज़र है, और नताल्या कहती है कि एक अच्छी ब्रीड का कुत्ता है, और जो लोमो है उसके कुत्ते का नाम गैस है। अब लोमो कहता है कि तुम्हारा जो स्क्वीज़र है उससे मेरा कुत्ता गैस जो है वो काफ़ी बेटर है। फिर शुभकोव एंटर होता है इन दोनों के बीच में। नताल्या उसके पिता से कहती है कि लोमो से कहो कि इसका डॉग गैस जो है वो मेरे कुत्ते स्क्वीज़र से बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड है। शुभकोव टॉन्ट मारता है लोमो को, टॉन्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके वो लोमो को टॉन्ट मारता है। वो बोलता है कि ही इज़ ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम पल्पिटेशन, कि वो हमेशा ही पल्पिटेशन की बीमारी से पीड़ित रहता है, यानी कि उसकी धड़कन जो है हमेशा ही तेज़ होती रहती है। तो इस कारण से ही कांट बी ए गुड हंटर, वो कभी भी एक अच्छा हंटर, एक अच्छा शिकारी नहीं बन सकता है। कौन, लोमो। तो शुभकोव उसको टॉन्ट करता है कि तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से तुम अच्छे शिकारी कभी नहीं बन सकते हो। फिर से शुरू हो जाता है इनका झगड़ा। लोमो जो है वो शुभकोव को एक घुसपैठिया कहता है, उसको कहता है कि तुम एक घुसपैठिए हो। शुभकोव जो है वो उसको पप कहता है, लोमो फिर उसको ओल्ड रैट कहता है, जेसुइट कहता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। लोमो जो कि हमेशा से ही अपनी बॉडी की समस्याओं से, यानी कि बीमारियों से पीड़ित रहा है, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है, और इसी कारण से उसकी पल्पिटेशन के कारण, हार्ट बीट बढ़ने के कारण वो एक आम चेयर जो चेयर रहती है उसके ऊपर गिर जाता है, और वो चाहता है कि एक डॉक्टर बुलाया जाए उसके लिए। नताल्या रोने लगती है, वो सोचती है कि लोमोव मर गया है। अभी इसी एक्साइटमेंट से, वो कहते हैं ना खुशी के मारे बेहोश हो जाता है आदमी, तो वैसे जो लोमोव था बेहोश हो जाता है और कुर्सी पे गिर पड़ता है। इस पर नताल्या रोने लगती है, कहती है कि लोमोव मर चुका है शायद। शुभकोव जो है वो ऐसा, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो पानी का एक बर्तन उठाता है और लोमोव के चेहरे पे पानी गिरा देता है। लोमोव गिराने की बजाय वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है, और जो लोमो है वो पानी पीता नहीं है। शुभकोव उसको धमकी देता है, और शुभकोव जो है वो उसको धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं अपने गला काट लूँगा चक्कू से, या फिर मैं अपने आप को गोली मार दूँगा अपने पिस्तौल से। और शुभकोव जो है वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि उसकी बेटी की शादी जो है वो लोमोव से फटाफट हो जाए, क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता है, और वो कहता है कि जल्दी जल्दी तुम दोनों शादी कर लो। और इस प्रकार से लोमोव और नताल्या की शादी वो करवाना चाहता है, और चाहता है कि ये दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रहें। वो उनको ब्लेसिंग्स भी देता है, वो उनको आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार है,
तभी नताल्या बहुत खुश होती है लोमो को ठीक ठाक पाकर, यानी कि लोमो अभी बेहोश है लेकिन उसकी बेहोशी अब शायद हो सकता है कि वो नाटक कर रहा हो, इसीलिए जो शुभकोव है वो धमकी देता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो रहे हो तो मैं, मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहे हो तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा या फिर अपना गला काट दूंगा। और वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी से फटाफट से शादी कर लो। ये बात यही तो करवाने लोमो वहाँ आया था और यहाँ पर उसका पर्पज़ पूरा हुआ। और फिर जो लोमो था फिर से होश में आ जाता है और वो देखता है कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसे में शुभकोव उन दोनों को आशीर्वाद देता है। फिर लोमो और नताल्या जो है वो एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद सब लोग अपने आप में रिलीव्ड फील करते हैं, सब लोग यानी कि एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर नताल्या और लोमो जो है वो जाने लगते हैं और फिर से उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। किस टॉपिक के ऊपर? ऑक्सन मीडोज के टॉपिक के ऊपर, जिसका झगड़ा पहले ही ख़त्म हुआ था बड़ी मुश्किल से। और उनके कुत्ते स्क्वीज़र और गैस के मुद्दे पर फिर से उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों की मैरिड लाइफ जो थी वो एक नए झगड़े से शुरू होती है। तो ये था हमारा चैप्टर प्रपोजल, और हमने देखा कि किस प्रकार से जो दोनों इसमें जोड़ा था यानी कि नताल्या और लोमो किस प्रकार से वो एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पाए जाते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट डज शुभकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो हैज़ कम फॉर। शुभकोव को क्या लगा कि लोमो जो है वहाँ क्या करने आए। सबसे पहले हमने देखा था कि उनको ये लगा था, लोमो को क्या लगा, शुभकोव को लगा था कि वो क्या करने आया वहाँ, टू बोरो मनी, शायद वो पैसे मांगने आया है, क्योंकि वो अपनी इवनिंग ड्रेस में था यानी कि कैजुअल फॉर्मल ड्रेस में था। इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन। और इसी चैप्टर के अंदर हमने ये भी सुना है कि एक जगह पर लिखा गया है कि वो लोमो से कहता है, शुभकोव लोमो से कहता है कि मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ अपने बेटे की तरह। तो क्या वो सही था, क्या वो सिंसियरली कह रहा है? नो, ही वॉज नॉट सिंसियर। जब उसने ये सब लोमो से कहा कि वो उसे अपने बेटे की तरह समझता है, तो हम जानते हैं कि ये झूठ बोला गया था, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड टू नॉट टू गिव एनी मनी टू लोमो, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो लोमो को कोई भी पैसे नहीं देगा। इस प्रकार से उसने झूठ बोला कि वो उसको उसके बेटे की तरह प्यार करता है। फाइंड द रीज़न फॉर योर आंसर फ्रॉम द पेज। इट वॉज ओनली वेन लोमो आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, क्योंकि लोमो ने जब उसकी बेटी का हाथ मांगा यानी कि उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो शुभकोव का जो एटीट्यूड था उसके प्रति वो चेंज हो गया। यानी कि अब तक वो उसको एक चोर की तरह यानी कि एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देख रहा था, लेकिन जब उसको पता लगा कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है, तो उसका जो नज़रिया था लोमो के प्रति वो बदल गया और वो दौड़कर अपनी बेटी नताल्या को बुलाने चला गया। तो ये सब बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जब वो आया था तब वो उसको पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि उसको लगा कि पैसे मांगने आया है। शुभकोव सेज ऑफ नताल्या एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी इज इन लव, शी लाइक यू एज अ लव सिक कैट, वुड यू अग्री, फाइंड द रीजन। यस, नताल्या वॉज इन लव। हाँ, नताल्या उससे प्यार करती थी, ये क्लियर है, क्योंकि शी बिहेव्स वेन शी गेट्स टू नो, क्योंकि जिस प्रकार से वो बिहेव करती है, जब उसको पता लगता है कि वो उसको प्रपोज करने आया था, लोमो उसका हाथ मांगने आया था, तो अपने पिता से भी वो गुस्सा हो जाती है, वो उनकी साइड छोड़कर लोमो की साइड चली जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो उससे प्यार करती थी, और वो रोने भी लगती है जब वो पाती है कि लोमो वहाँ से चला गया है, वो रोने लगती है, और जब वो मरने की एक्टिंग करता है तब भी वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है और रोने लगती है। तो इससे हमें पता लगता है कि वो उससे प्यार करती थी। अब यहाँ पर फाइंड ऑल द वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन इन द प्ले, ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट ओनली। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, दिस प्ले हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश फ्रॉम रशियन ओरिजिन, आर देयर एनी एक्सप्रेशंस और वेज ऑफ स्पीकिंग दैट स्ट्राइक यू एज मोर रशियन देन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, वुड एन एडल्ट मैन बी एड्रेस्ड बाय एन ओल्डर मैन एज माई डार्लिंग और माई ट्रेजर इन एन इंग्लिश प्ले। अब ये क्वेश्चन भी आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ, बिकॉज कुछ इसका आंसर वैसे नहीं दिया जाएगा, तो इसको आप अपने तरीके से रीड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस और दिए गए हैं और इसके आंसर्स भी नीचे दिए गए हैं, तो होपफुली यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।